वहीं शेयर बाजार में आज यानी 2 मई को बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 74,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। ये 22,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले 30 अप्रैल को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी 38 अंक की गिरावट के साथ 22,604 के स्तर पर बंद हुआ था। हालांकि बंद होने से पहले आज कारोबार के दौरान निफ्टी ने 22,783 का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं सेंसेक्स में भी 188 अंक की तेजी रही। ये 74,442 के स्तर पर बंद हुआ था। 1 मई को मजदूर दिवस पर शेयर बाजार बंद था।